तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिव्लॉग में। तो आज पता है, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग जो है ना, वो ना उनका ना मेरे बिना मन नहीं लगता है। अब मैं बहुत दिनों से नहीं वीडियो बना रही थी, नहीं कुछ कर रही थी, तो वो ना पता, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे के चैनल को भी ना हमारा ही राज चलता है। हर किसी के चैनल पर हम जहाँ भी जाएँ ना, वहाँ हमारा राज चल जाता है। तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। उनका राज सिर्फ उन्हीं के घर तक ही सीमित रहता है। हर जगह उनका राज नहीं चलता है। वो हमें कहीं भी किसी भी टॉपिक पर बोलने से या किसी भी टॉपिक पर कमेंट करने से नहीं रोक सकते हैं। तो वो अपना जो राज है ना, वो अपने तक घर तक ही सीमित रखें, ना कि औरों के चैनलों पर आकर अपना राज जमाने की कोशिश करें। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती, लेकिन कुछ लोग थे जो कह रहे हैं कि नहीं बनाओ बनाओ बनाओ, ज़रूर बनाओ इस टॉपिक पे वीडियो। हम चाहते हैं कि रश्मि मलिक भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो जब रश्मि मलिक को इतना याद किया जा रहा है, तो ठीक है, इस टॉपिक पर वीडियो आज मैं भी एक बनाई देती हूँ। वैसे तो मैंने ये टॉपिक पहले काफ़ी टाइम पहले देख लिया था। अगर मुझे वीडियो बनानी होती तो मैं तभी बना देती इस टॉपिक पे वीडियो। लेकिन ये कंटेंट रलो मिलो भैया का था, उन्होंने वीडियो बनाई, तो हो जाए उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये भी बनाएगी वीडियो, अब ये भी बनाएगी वीडियो। तो ठीक है, लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ, सुन लो। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, इस वीडियो में मैं किसी की भी श्रद्धा को, किसी की भक्ति को, किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो और चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो। तो यहाँ पर किसी की श्रद्धा भक्ति को ठेस नहीं पहुँचाया जाएगा। जो बात की जाएगी वो अच्छे से सुनना, उसके बाद ही रिएक्ट करना। तो और कुछ लोग ये बोलते हैं कि कंटेंट चोरी कर लिया। भाई ये कोई बैंक का लॉकर नहीं है, जो लॉकर था और आतंकवादियों ने आकर उसमें चोरी करके लेके भाग गए, ठीक है? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इस पर अगर कोई बात डल जाती है तो फिर वो प्राइवेट नहीं रहती है। यहाँ पर तो मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर भी रिएक्शन दिया जाता है। फिर तो हम सब तो आम जनता हैं, ठीक है? अगर इतनी ही यूट्यूब के अंदर वो होती कि हर किसी की यूट्यूब मानता, यूट्यूब की अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती, तो मोदी जी ने तो कब का यूट्यूब को बैन करा दिया होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियो बनती हैं वो मोदी जी के ऊपर ही बनती हैं, और मोदी जी की तो ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं, ऐसे ऐसे कार्टून बना देते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? और मैं जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भी एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो ऐसे यूट्यूबर्स पर दो जो जिनको YouTube की नॉलेज हो कि YouTube होता क्या है, YouTube पर रिएक्शन दिए कैसे जाते हैं, YouTube पर रिएक्शन क्यों दिए जाते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ना, या जिनको भी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, स्टार्टिंग सबकी जीरो से होती है और आगे तक पहुंचता है बंदा, वो अपनी मेहनत से पहुंचता है। अगर कि कोई भी यूट्यूबर है, अगर उसको यूट्यूब से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो पहले तो वो नॉलेज गेन कर ले। अदरवाइज जो रिएक्शन चैनल वाले भी हैं उनको भी बोलूंगी कि ऐसे यूट्यूबर पर रिएक्शन मत ही दो जिनको यूट्यूब की नॉलेज ही नहीं है, पता है बिल्कुल भी, जिनको नॉलेज है ही नहीं यूट्यूब से रिलेटेड बिल्कुल भी। और ये जो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यूट्यूब पर औरों का कंटेंट चोरी करते हैं, रिएक्शन चैनल है, ये है वो है, तो भाई हाँ, हमारा रिएक्शन चैनल है। अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब के अंदर अपने आप में ही इतनी पावर होती है, अगर हम कुछ भी गलत वीडियो डालते हैं या हम कुछ भी गलत डाल देते हैं ना, तो जब हमारी वीडियो अपलोडिंग होती है ना, उसी टाइम पर हमारी वीडियो या तो डिलीट हो जाएगी या उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो भी वीडियो यूट्यूब पर डल जाती हैं और अगर वो मोनेटाइज हो जाती हैं अच्छे से, तो उसका मतलब हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेटफॉर्म यूट्यूब वालों का है, अगर यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो जिन यूट्यूबर्स को ये नॉलेज है यूट्यूब की कि यूट्यूब रिएक्शन चैनल होते क्या हैं, और अगर किसी यूट्यूब के ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं, वो बंदा रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो बंदा इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी क्या होती है, यूट्यूब के अंदर रिएक्शन चैनल कहाँ पर आते हैं, और उनको साथ में यही पता है कि अगर कोई बंदा हमारे ऊपर रिएक्शन दे रहा है तो उस रिएक्शन चैनल की वजह से उस यूट्यूबर का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि
जो रिएक्शन दे रहा है बंदा, उसकी वजह से उस अगले बंदे जिसके ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है उसका चैनल लोगों की नज़रों में आ रहा है, और जब लोगों की नज़रों में आएगा तो लोग जाकर देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। तो इसलिए वो लोग मना नहीं करते कि हमारे ऊपर रिएक्शन मत दो, क्योंकि उनको पता है कि उन कोई अगर हमारे ऊपर रिएक्शन दे रहा है तो उससे कहीं ना कहीं हमारा चैनल और ग्रो होगा, ना कि डाउन में जाएगा। ये तो बात हो गई यूट्यूब की। अब बात करते हैं हम दीपा नेगी और रलो मिलो भैया, जो कि गजेंद्र, जिनका नाम गजेंद्र है। तो रलो मिलो भैया चैनल का नाम ही लूँ क्योंकि लोग उनको उसी नाम जानते हैं, एंड दीपा नेगी जो भगवान में, माता रानी में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हैं, अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड है ना हमारा, वो देवों की देवभूमि है, वहाँ पर देवी देवता जो है वो उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। माना हर जगह जाता है लेकिन उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ सिखाती हैं वो, लोगों को दिखाती हैं, संस्कृति जो है हमारे उत्तराखंड की वो लोगों तक पहुँचती है दीपा नेगी के ज़रिए। और भगवान में आस्था रखना या भगवान में विश्वास रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर किसी नास्तिक तो कोई नहीं होता, सब आस्तिक ही होते हैं। तो हर किसी की अपनी अलग सोच होती है, अपने अलग अलग भगवान को मानने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो और जो रलो मिलो भैया का और दीपा नेगी के जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एक वीडियो को लेकर, तो उसमें रलो मिलो भैया ने कोई गलत वर्डिंग यूज नहीं की थी, जिसके लिए उनको धमकाया गया वीडियो डिलीट करने के लिए। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि दूध से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है, हमारे यहाँ पर भी कराया जाता है देवी देवताओं को स्नान दूध से, जो कृष्ण जी की जो बाल गोपाल रखते हैं घर में उनको भी स्नान किया जाता है गंगा जल में, दूध में और शहद में, बहुत सारी मतलब पंचतत्व बना के, पंचमृत बना के उससे उनका स्नान कराया जाता है। बहुत सारी देवी देवताओं को, जैसे हम भी हैं, हम भी अपने पितर को, देवताओं को दूध से नहलाते हैं। तो उन्होंने बोलता कि दूध से नहलाना गलत बात नहीं है, लेकिन दूध को पैरों में डालना, आप समझ सकते हो, दूध को पैरों में डालना उन्होंने बोलता कि वो गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि दूध को अगर हम पैरों में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गौ माता का, दूध का अपमान हो रहा है। दूध से हम नहला रहे हैं किसी को तो वो देखा भी यही गया है कि दूध से नहलाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं देखा गया कि दूध को पैरों में डाला जा रहा है। और इसमें अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो पता नहीं भाई उनकी कुछ श्रद्धा होगी, कुछ भक्ति होगी उनके अंदर, कुछ वो ऐसा शायद होता होगा, लेकिन मैंने कहीं ऐसा रीति रिवाज नहीं देखे कि दूध को पैरों में डाला जा रहा है। क्योंकि अगर कहीं दूध फर्श पे भी गिर जाता है कहीं, तो अगर उसको हम पैर टच भी जाता है तो बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है कि दूध पर पैर लग गया। और दूध से पैरों को, दूध पैरों पर डालना देवी माँ के, तो मुझे लगता है कोई भी देवी माँ ये बोलेगी कि दूध को पैरों में डालो। और बहुत सारे लोग क्या पता क्या होता है, जैसे अगर ये वीडियो इनकी अभी वायरल नहीं हुई है, अगर उनकी वाली वीडियो वायरल होगी दूध से पैरों को नहलाने वाली, तो आप देखना इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी छिड़ जाएंगी, क्योंकि ये बात जहाँ तक है ना, दूध को नहलाना, दूध से नहलाना, देवी देवताओं को स्नान कराना वो अलग होता है, लेकिन दूध को पैरों में यूज करना, वो दूध जो गौ माता का दूध है उसको पैरों में यूज करना, तो एक ने बोला था कि गौ माता का दूध नहीं, वो बकरी का दूध था। दूध बकरी का हो, ऊंटनी का हो, भैंस का हो, चाहे गाय का हो, दूध तो दूध ही होता है, दूध तो दूध ही होता है, दूध को उसी में मापा जाता है। तो इस तरह से दूध का अपमान करना कहीं ना कहीं गलत लगा लोगों को, और हर किसी की सोच एक जैसी तो नहीं होगी, अगर किसी को गलत लग रहा है तो वो उसको पूरा हक है ये बोलने का कि ये गलत है। तो दूध को पैरों में डालना गलत माना जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग क्या होता है, सभी लोग, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग शिवलिंग पर, शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर शिवलिंग को दूध से नहलाते हैं। तो आप जो बताइए कि इस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन उठते हैं बहुत सारे, शिवलिंग पर दूध से नहला रहे हैं लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, लेकिन वो दूध कहाँ जा रहा है, शिवलिंग से वो दूध जा कहाँ रहा है, नालियों में बह रहा है। कई जगह पर ऐसा होता है कि शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर दूध से नहलाते हैं शिवलिंग को,
और वो सारा दूध जाता कहाँ है, नालियों में। तो आप मुझे बताइए, क्या भगवान जी ये चाहेंगे कि दूध मतलब जो दूध है वो नालियों में बह रहा है वो अच्छा है, कि उस दूध से हम किसी गरीब की, किसी मजबूर आदमी की, किसी भूखे की भूख मिटाएं, उसको दे दूध, या उससे हमें पुण्य प्राप्त होगा, या दूध को नाली में बहाने से हमें पुण्य प्राप्त होगा। उनका भी सिर्फ इतना कहना था कि जो दूध है वो पैरों में ना गेर कर अगर उससे देवी माँ को स्नान कराया जाए, या फिर वो दूध किसी गरीब गुरबे को, किसी ऐसे मददगार को दिया जाए जिसको सच में नीड हो, सच में जरूरत हो उस दूध की, तो उससे मेरे ख्याल से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे हमारे से, कि इन्होंने किसी मजबूर आदमी को, किसी को जरूरतमंद को, किसी भूखे को दूध पिलाया। तो मैं फिर बोलूँगी कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, मेरा सिर्फ एक अपनी बात रखना है, और हर कोई अपनी बात रख सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, कि दूध को वेस्ट नाली में बहाने से अच्छा है जो सिवा कि हम किसी गरीब गुरबे की मदद करें, उनको दूध दें। लोगों को दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है, लोगों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता है, और हम लोग नाली में बहा देते हैं। तो अब इस पर ही बहुत सारे लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, तो उसी के चलते मैंने अपनी बात रखी है। और रही चैनल डिलीट होने वाली बात, कि वो इनका चैनल डिलीट करा देंगी, रलो मिलो भैया इनका चैनल डिलीट करा देंगे, या फिर वो दीपा नेगी रलो मिलो भैया का चैनल डिलीट करा देंगी, तो भाई किसी का चैनल किसी से डिलीट नहीं होता है। अगर हमारी वीडियो के अंदर कुछ गलती होती है तो वो यूट्यूब अपने आप ही डिलीट कर देता है, और अपने आप ही वो तो अपने आप ही वो डिलीट हो जाती हैं, और अपने आप ही उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो भी बात बोली दीपा नेकी ने, थोड़ा उनका बोलने का जो सेंस था ना, जैसे रलो मिलो भैया ने कुछ नहीं बोला था, बहुत नॉर्मल सी एक अपनी बात रखी थी दूध के ऊपर, तो उधर से जो दीपा नेगी हैं उन्होंने बहुत सारी गलत लैंग्वेज का यूज़ किया है, कि चैनल उड़वा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो देखो, चैनल तो अगर ऐसे चैनल उड़ता तो चैनल तो कोई भी किसी का उड़ा देता। हाँ, लेकिन लोग कई बार हो जाता है कि स्ट्राइक दे देते हैं। अब उस स्ट्राइक से भी क्या होता है, अगर स्ट्राइक 100% यूट्यूब की नज़रों में सही है तो अगले ही बंदे के पास स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन अगर उस स्ट्राइक में कहीं भी चूक रह जाती है, यूट्यूब की नज़रों में लगता है कि जिसके ऊपर जो बंदा स्ट्राइक दे रहा है वो सही है, वीडियो उस वीडियो में कुछ गलत नहीं है, तो जो बंदा स्ट्राइक देता है ना, यूट्यूब उसी का चैनल उड़ा देता है सबसे पहले। तो यूट्यूब पर आने से पहले यूट्यूब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पढ़ो अच्छे से, तभी यूट्यूब पर मेरे ख्याल से आना सही रहेगा, क्योंकि वरना क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उठाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। तो ना तो रलो मिलो भैया, अगर ऐसे तो रलो मिलो भैया की भी वीडियो डाली हुई है दीपा नेगी जी ने, तो फिर तो ये भी उनकी वीडियो डिलीट कर सकते हैं, उनका चैनल डिलीट करवा सकते हैं, जब अगर दीपा नेगी करा सकती हैं तो रलो मिलो भी करा सकते हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं रखा है इनमें, तो किसी की, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। अब बस किसी का मन करा कि पैरों में दूध चढ़ाना से ज़्यादा भक्ति होती है, तो उसने पैरों में दूध चढ़ा दिया। अब किसी को लगा कि दूध पैरों में नहीं चढ़ाना चाहिए, कि वो वेस्ट होता है और दूध का अपमान होता है, तो उन्होंने वो बोल दिया। तो हर इंसान को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, और अगर इस बात को अच्छी लैंग्वेज में बोला जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना हर किसी से आता है, जो बात हम आराम से बैठकर अच्छी लैंग्वेज के थ्रू बताएंगे तो शायद जल्द अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम उलझी लैंग्वेज बोलेंगे तो अगला बंदा जो है वो मिट्टी का तो बना नहीं हुआ, कि उसको नहीं आती है लैंग्वेज बोलनी, शायद वो उससे भी डबल बोल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, और एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि मेरा इस वीडियो के थ्रू किसी का भी, किसी की भावनाओं को, किसी की श्रद्धा को, किसी की भक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मतलब था सिर्फ अपनी बात को रखना। और हमारे देश में और हमारे यूट्यूब पर भी हर किसी को अपनी बात कहने का, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, हम अपनी बात रख सकते हैं, उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो धन्यवाद, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और फिर भी अगर किसी को मेरी बात थोड़ी बहुत बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ।
क्योंकि इतनी बड़ी तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी मेरी भी तेज नहीं है, मेरी भी 30-32 साल ही है, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने उतना बोला। अगर उसमें कहीं भूल चूक हो गई या कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो उसके लिए सॉरी।